अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ मार्च 2022 के अंदर एक्सपेक्टेड स्मार्टफोन्स कौन से आने वाले हैं। आपको इस वीडियो के अंदर वो सारे स्मार्टफोन बताऊंगा जो कि अभी इसी मार्च 2022 के अंदर लॉन्च होने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लें आईफोन SE 3, आईफोन SE 2022 के हवाले से। तो कल की डेट को इसको एप्पल लाइव इवेंट के अंदर लॉन्च कर दिया गया है। 6 इंचज का रेटिना HD डिस्प्ले रखा गया है। एप्पल A15 बायोनिक चिपसेट आपको देखने को मिल जाएगी। 3 GB की रैम, 64 GB स्टोरेज देखने को मिलेगी। iOS 15 ऑपरेटिंग सिस्टम रखा गया है। 12 MP का मेन कैमरा लेंस, जबकि 12 MP का आपको फ्रंट पे सेल्फी कैमरा लेंस देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आपको 2821 mAh की एक नॉन रिमूवेबल बैटरी देखने को मिलेगी। तो आईफोन SE 3 को 18 मार्च तक जो है अवेलेबल कर दिया जाएगा मार्केट्स के अंदर। आईफोन SE 3 की प्री बुकिंग स्टार्ट कर दी गई है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसको प्री बुक कर सकते हैं। दूसरे फ़ोन के हवाले से बात करें तो गूगल की तरफ से गूगल पिक्सल 6a को मार्च के अंदर लॉन्च किया जाएगा। अगर यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस के हवाले से बात करें तो 6.2 इंचेस का OLED डिस्प्ले रखा जाएगा। 12.2 MP का मेन कैमरा लेंस, जबकि 12 MP का आपको रेयर कैमरा लेंस देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा 8 MP का सेल्फी कैमरा लेंस देखने को मिलेगा। एंड्रॉयड वर्जन 12 इसके अंदर देखने को मिलेगा। पावरफुल गूगल टेंसर चिपसेट रखा जाएगा। 8 GB की रैम, जबकि 128 GB की स्टोरेज और 5000 mAh की बैटरी के साथ आपको एक फास्ट चार्जिंग गूगल पिक्सल 6a के अंदर देखने को मिल जाएगी। तो इसके जो है मेन हाइलाइटेड फीचर्स यही रखे जाएंगे। और इसके अलावा मज़ीद जो है प्राइस के हवाले से अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं मिल सकी है। और इसको मार्च 2022 के अंदर ज़रूर लॉन्च कर दिया जाएगा, कंफर्म कर दिया गया है गूगल की तरफ से। नेक्स्ट फ़ोन के हवाले से बात कर ली जाए तो Redmi Note 11 Pro मार्च 9 को लॉन्च कर दिया गया है। 6.67 इंचेस का आपको फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। एमोलेड डिस्प्ले होगा। ऑक्टा कोर का आपको प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा स्नैपड्रैगन 695 के साथ। इसके अलावा आपको 6 GB की रैम देखने को मिल जाएगी। 64 GB की स्टोरेज रखी जाएगी। 6 GB और 8 GB वाले वेरियंट देखने को मिल जाएंगे। 128 GB स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगी दूसरे वेरियंट के अंदर। इसके अलावा माइक्रो SD कार्ड की सपोर्ट मिलेगी। एंड्रॉयड 11 MIUI 13 के साथ आपको सपोर्ट मिलेगी। 108 MP का मेन कैमरा लेंस, 8 MP अल्ट्रा वाइड, 2 MP मैक्रो, जबकि 2 MP का आपको यहाँ पे डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। 16 MP का फ्रंट कैमरा लेंस, 5G की सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। 5000 mAh की बैटरी रखी जाएगी, जिसके साथ आपको एक फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट फोन के हवाले से बात करें तो ओप्पो की तरफ से ओप्पो फाइंड X5 को मार्च के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा। 6.55 इंचेस का 1080p रेजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। 120Hz रिफ्रेश रेट, एमोलेड डिस्प्ले होगा। ऑक्टा कोर का प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 888+ आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। एड्रीनो 660 GPU की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। 8 GB की रैम, 256 GB की स्टोरेज UFS 3.1 के साथ देखने को मिल जाएगी। एंड्रॉयड 12 के साथ आपको कलर OS 12.1 देखने को मिल जाएगा। ड्यूल सिम होगी। 50 MP का मेन लेंस, 50 MP का आपको यहाँ पे अल्ट्रा वाइड लेंस और 13 MP का आपको डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। 32 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा होगा। 5G की सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। 4800 mAh की आपको एक बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती होगी। तो ये इसके लाइटेड फीचर्स होंगे ओप्पो फाइंड X5 के अंदर, जो कि इसी मंथ के अंदर ही ऑलमोस्ट लॉन्च कर दिया जाएगा। नेक्स्ट फ़ोन के हवाले से अगर आपको यहाँ पे बताऊँ तो ओप्पो की तरफ से ओप्पो फाइंड X5 Pro को भी इसी मंथ के अंदर लॉन्च किया जाएगा। 6.7 इंचेस का आपको क्वाड HD+ डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। एमोलेड डिस्प्ले होगा। अप टू 3.05 GHz ऑक्टाकोर प्रोसेसर सपोर्ट होगा। डायमेंसिटी 9000 प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा, जो कि माली G70 के साथ आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। GPU की सपोर्ट होगी। 12 GB की आपको यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाएगी रैम की। 256 GB की आपको यहाँ पे स्टोरेज UFS 3.1 के साथ देखने को मिल जाएगी। एंड्रॉयड 12 और कलर OS 12.1 इसके अंदर प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाएगा। ड्यूल सिम होगी। 50 MP का आपको मेन कैमरा, 50 MP का अल्ट्रा वाइड, 13 MP का आपको डेप्थ सेंसर प्रोवाइड किया जाएगा। 32 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा, 5G की सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगी, जबकि 5000 mAh की आपको यहाँ पे काफ़ी बड़ी बैटरी फास्ट चार्जिंग के साथ देखने को मिलेगी।
इसी के साथ ही आपको ओप्पो की तरफ से फाइंड एक्स फाइव लाइट भी देखने को मिल जाएगा 6.43 इंचेस के साथ, फुल एचडी प्लस 90 हर्ट्स एमोलेड डिस्प्ले होगा, ऑक्टाकोर प्रोसेसर डायमेंसिटी 900 का आपको चिपसेट देखने को मिल जाएगा, मान लीजिए 68 की सपोर्ट होगी और 8 GB की रैम रखी जाएगी, 256 GB की स्टोरेज UFS 3.1 के साथ देखने को मिल जाएगी, एंड्रॉयड 11 और कलर ओएस 12 इसके अंदर इंस्टॉल होगा। इसके अलावा ड्यूल सिम स्टैंड बाई होगा, 64 MP का मेन कैमरा लेंस, 8 MP अल्ट्रा वाइड, 2 MP का आपको डेप्थ सेंसर प्रोवाइड किया जाएगा, जबकि 32 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा होगा, 4500 mAh की आपको एक काफ़ी बड़ी बैटरी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इसके अंदर देखने को मिल जाएगी। तो ओप्पो की तरफ से 3 फ़ोन मार्च के अंदर लॉन्च किए जाएंगे फाइंड एक्स फाइव सीरीज़ के, फाइंड एक्स फाइव, फाइंड एक्स फाइव प्रो और फाइंड एक्स फाइव लाइट, 3 मॉडल देखने को मिल जाएंगे जो कि अभी तक इस हवाले से कन्फर्मेशन हुई है। मज़ीद जो भी फ़ोन आएगा उसके हवाले से आपको मैं अपडेट कर दूंगा अपने चैनल पे। नोकिया की तरफ से नोकिया C21 Plus को कन्फर्म किया जा रहा है, मार्च के अंदर लॉन्च किया जाएगा, 6.5 इंचेस का आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, HD+ वी नॉच के साथ, 20:9 की आपको एस्पेक्ट रेशो देखने को मिल जाएगी, और इसके अलावा 1.6 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर UniSoC के चिप सेट के साथ देखने को मिल जाएगा, GPU आपको यहाँ पे IMG पावर VR का देखने को मिल जाएगा, 2 GB 3 GB 4 GB वाले वेरियंट्स, 32 GB स्टोरेज, 64 GB स्टोरेज के साथ देखने को मिल जाएंगे, eMMC 5.1 स्टोरेज सिस्टम होगा, एक्सपेंडेबल होगी 256 GB स्टोरेज के साथ, एंड्रॉयड 11 को एडिशन देखने को मिल जाएगा, 13 MP का मेन कैमरा लेंस होगा, 2 MP का डेप्थ सेंसर, 5 MP फ्रंट फेसिंग कैमरा, 4G सपोर्ट होगी, 4000 mAh की बैटरी या फिर 5050 mAh की बैटरी इस डिवाइस के साथ आपको देखने को मिल जाएगी। तो नोकिया के साथ नोकिया C21 Plus और नोकिया C21 को कन्फर्म किया जा रहा है जो कि मार्च के अंदर ही रिवील कर दिए जाएंगे। होप्स हो ये सारे जो स्पेक्स हैं ये इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे जो कि अब तक कंफर्म हो चुके हैं नोकिया की तरफ से। और अगर नोकिया C21 की बात करें तो 6.5 इंचेस का आपको 720p रेजोल्यूशन का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा HD+ नॉच के साथ, 1.6 GHz का ऑक्टाकोर प्रोसेसर UniSoC का आपको यहाँ पे प्रोसेसर, 2 GB 3 GB रैम, 32 GB स्टोरेज, 64 GB स्टोरेज eMMC 5.1 के साथ, एंड्रॉयड 11 गो एडिशन, 8 MP का मेन लेंस कैमरा लेंस होगा, 5 MP का फ्रंट कैमरा लेंस होगा, 4G सपोर्ट होगी, 3000 mAh तक की आपको यहाँ पे बैटरी की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी नोकिया C21 के अंदर। तो नोकिया की तरफ से 2 मॉडल अभी तक लॉन्च किए जाएंगे इस मार्च 2022 के अंदर। इसके अलावा नोकिया की तरफ से एक और एडिशन भी देखने को मिल जाएगा, नोकिया C2 सेकेंड एडिशन, 5.7 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, 960 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले होगा, 1.5 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर रखा जाएगा, 1 GB की रैम या फिर 2 GB की रैम होगी, 32 GB इंटरनल स्टोरेज रखी जाएगी, चिपसेट के वाले से कन्फर्मेशन नहीं मिली, जबकि आपको माइक्रो SD कार्ड की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी, एंड्रॉयड 11 गो एडिशन होगा, ड्यूल सिम स्टैंड बाई होगा, 5 MP का मेन लेंस जबकि 2 MP का फ्रंट फेसिंग लेंस देखने को मिल जाएगा, 2400 mAh की आपको इसके अंदर बैटरी देखने को मिल जाएगी, जबकि फास्ट चार्जिंग के हवाले से भी कंफर्मेशन नहीं मिली है। नोकिया C2 सेकंड एडिशन भी मार्च के अंदर हो सकता है इसको लॉन्च कर दिया जाए, रिवील कर दिया जाए, बहुत जल्दी इसके हवाले से भी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और इन मोबाइल फ़ोन्स के हवाले से अगर आप डेडिकेटेड वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर सारे मोबाइल फ़ोन्स की जो है वो डेडिकेटेड वीडियो में मौजूद है, आप स्पेसिफिकेशन भी देख सकते हैं, प्राइस भी देख सकते हैं, बेंचमार्क स्कोर्स भी मैंने डाले हुए हैं, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं मेरी वीडियोस के अंदर। नेक्स्ट फोन के हवाले से बताऊं तो ऑसस ज़ेनफोन 8 के नाम से एक फ़ोन देखने को मिल गया था, उसका एक और वर्जन रीब्रांडेड वर्जन देखने को मिल जाएगा ASUS 8Z के नाम से, 5.9 इंचेस का आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, 1080p रेजोल्यूशन के साथ फुल HD+ डिस्प्ले होगा, एमोलेड पैनल होगा और 20:9 की एस्पेक्ट रेशो रखी जाएगी, ऑक्टाकोर प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 8885 नैनोमीटर चिपसेट देखने को मिल जाएगा, इसके अलावा एड्रीनो 660 की GPU की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी, 8 GB की रैम, इसके अलावा 128 GB की स्टोरेज UFS 3.1 के साथ देखने को मिल जाएगी, एंड्रॉयड 11 विद जेन UI 8 के साथ देखने को मिल जाएगा, एंड्रॉयड 12 भी इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड हो सकता है, अपग्रेडेबल है, इसके अलावा ड्यूल सिम स्टैंड बाई होगा, 64 MP का मेन लेंस, 12 MP का दूसरा लेंस देखने को मिल जाएगा, 12 MP का ही आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा लेंस देखने को मिल जाएगा, वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस IP68 की रेटिंग भी देखने को मिल जाएगी, एंड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर को कन्फर्म किया जा रहा है, 5G सपोर्ट होगी, जबकि 4000 mAh की आपको यहाँ पर टिपिकल बैटरी देखने को मिल जाएगी और
इसके अलावा हो सकता है कि यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी ऑसस 8Z के अंदर देखने को मिले। ऑसस ज़ेनफोन 8 का ये रीब्रांडेड वर्जन होगा और प्राइस भी इसकी बहुत जल्द रिवील हो जाएगी। इसके हवाले से डेडिकेटेड वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। अगले फ़ोन के हवाले से बात करें तो Realme V25 को कन्फर्म किया जा रहा है। 6.6 इंचेस का स्क्रीन साइज़, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर जबकि 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट के साथ 6GB की रैम कन्फर्म की जा रही है। ऑक्टाकोर का प्रोसेसर होगा, 2.2 गीगाहर्ट्ज़ पे वर्क करेगा और 1.8 गीगाहर्ट्ज़ का भी प्रोसेसर हेक्साकोर का हो सकता है। 5000 mAh की बैटरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी Realme V25 के अंदर। नेक्स्ट फ़ोन भी Realme की तरफ से निकल के आ रहा है, Realme GT2, जिसके अंदर आपको 6.7 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। क्वाड HD प्लस डिस्प्ले होगा, एमोलेड डिस्प्ले के साथ 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट होगा और ऑक्टाकोर का प्रोसेसर होगा स्नैपड्रैगन 8 Gen 1, इसके अंदर यूज़ किया जाएगा 4 नैनोमीटर वाला और एड्रीनो नेक्स्ट जनरेशन GPU रखा जाएगा। 8GB की रैम रखी जाएगी, 128GB की स्टोरेज या फिर 256GB की स्टोरेज UFS 3.1 के साथ देखने को मिल जाएगी, जबकि दूसरा वर्जन आपको 12GB की रैम के साथ 256GB स्टोरेज UFS 3.1 के साथ देखने को मिलेगा। एंड्रॉयड 12 इसके अंदर भी इंस्टॉल होगा, Realme UI 3.0 होगी। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लेंस, 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा, जबकि 5G की सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। 5000 mAh की आपको यहाँ पे बैटरी सिस्टम देखने को मिल जाएगा जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता होगा। तो ये थे Realme GT2 के की स्पैक्स, हो सकता है इसको भी मार्च के एंड तक लॉन्च कर दिया जाए। और आखिर में बात करते हैं कुछ TCL 30 सीरीज़ के हवाले से। तो TCL 30 5G को कन्फर्म किया जा रहा है, 6.7 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले होगा, एंड्रॉयड 12 इसके अंदर प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाएगा, 4GB की रैम, 64GB की स्टोरेज या फिर 128GB की स्टोरेज होगी, 50 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे मेन कैमरा लेंस देखने को मिल जाएगा, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे डेप्थ सेंसर देखने को मिलेगा। 5000 mAh की बैटरी को कन्फर्म किया जा रहा है TCL 30 5G के अंदर। TCL 30 प्लस के वाले से बात करें तो 6.7 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले होगा, एंड्रॉयड 12 प्री इंस्टॉल होगा, 4GB की रैम, 64GB स्टोरेज या फिर 128GB स्टोरेज के साथ होगा, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लेंस, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 5000 mAh की बैटरी को इस डिवाइस के अंदर सेम ही कन्फर्म किया जा रहा है। स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम ही दोनों डिवाइस के अंदर देखने को मिल रही है जो कि अब तक कन्फर्म हो चुकी है। इसके अलावा TCL का एक और वर्जन TCL 30 SE देखने को मिल जाएगा, 6.52 इंचेस LCD स्क्रीन के साथ, 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा लेंस कन्फर्म किया जा रहा है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा लेंस, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस, जबकि 5000 mAh की बैटरी को कन्फर्म किया जा रहा है। तो ये थे TCL 30 सीरीज़ के 3 मॉडल जो कि मार्च के एंड तक लॉन्च हो जाएंगे और मज़ीद इनके अंदर चिपसेट वगैरह के हवाले से भी कन्फर्मेशन आ जाएगी और इस हवाले से डेडिकेटेड वीडियो भी मेरे चैनल पर आपको जरूर देखने को मिल जाएंगी। जो सारे फोन्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं उनकी डेडिकेटेड वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, आप इनको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, मार्च के अंदर जो मोबाइल फ़ोन्स लॉन्च होने वाले हैं उस हवाले से मैंने आपको सारे मोबाइल फ़ोन्स बता दिए इस वीडियो के अंदर। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक अनबॉक्सिंग टेक रिव्यूज़ टेक अपडेट्स अपकमिंग स्मार्टफोन्स के हवाले से। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह निगहबान।